वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th इन मैथ्स क्लास. टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 6B. फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स. जैसे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी हैं. जैसे 2/5 इक्वल 8/व्हाट, इसमें हम क्या फिल करें? तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 8 आ जाए. 2 4 8, तो यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया हमारा 20. नेक्स्ट अब देखो 15/24 है. अब यहाँ 8 और ऊपर कुछ नहीं दिया है. 8 कैसे आंसर आया होगा? यहाँ हमने डिवाइड कर दिया 3 से. यहाँ 3 8 24, तो यहाँ भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा अब हमारा 5. देन दिस 3/nothing एंड 12/32 है. तो 3 को क्या हुआ, क्या किया इसमें? मल्टीप्लाई किया जो डिवाइड किया कि 12 आंसर आ गया. हमने किया 4 से मल्टीप्लाई. ठीक है, वंस हमने यहाँ 12 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर 3 आ गया. अब हम 32 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8. नेक्स्ट -3 और 12/18. 18 को क्या किया कि ये हमारा 3 आंसर आ गया. 18 को हमने 6 से डिवाइड किया, 6 को डिवाइड किया तो 3 आंसर आ गया. अब हम यहाँ भी 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2. नेक्स्ट 16/42 और -21. अब 21 कैसे आ गया? हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया. अब हम 16 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8. नेक्स्ट है आपका 35/49, 5/blanks है. अब 5 कैसे आंसर आ गया? 35 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो आंसर हमारा 5 आता है. तो यहाँ भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 7. तो 5/7 आंसर आ गया. क्वेश्चन सेकंड है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस 2/7 विद न्यूमिनेटर 12. जैसे आपको पता है जो ऊपर रहता है फ्रैक्शन में उसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, जो नीचे रहता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं. मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी. 2/7 अब कह रहे हैं कि न्यूमिनेटर जो है 12 हो जाए. ठीक है, 12/something जो भी आएगा. अब हम क्या करें कि जो है 2/7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा, जब डिवाइड करें कि आंसर 12 आ जाए. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 6 12, तो यहाँ भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 7 6 42, तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 12/42. पार्ट बी है, बी में है 18/20 विद 10 एज डिनोमिनेटर. ओके, अब 18/20 को 10 डिनोमिनेटर कैसे बनेगा? हम क्या करेंगे, 20 इसका आंसर आएगा, 10 नीचे आएगा. ठीक है, डिनोमिनेटर जैसे नीचे बना. अब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी से, जहाँ डिवाइड, तो ये जाहिर है डिवाइड करेंगे 2 से, हमारा आंसर 10 आ जाएगा. तो ऊपर भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, तो हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी 9/10. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, थर्ड में है कह रहे रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट फॉर्म. लोएस्ट फॉर्म में कैसे, हमने डिवाइड करके ये दिखाना है कि कहाँ तक डिवाइड हो जाता है. पार्ट ए है जैसे आपका 16/32, ये जैसे हमारी थी स्टेटमेंट थी 16/32. हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे बनाना, पहले हम 2 से देखते हैं कि दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, 8 2 16 और 16 2 32, देन फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, 4 2 8 और 8 2 16, फिर आप 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा हमारा, 2/4. अब फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 1/2. बी पार्ट है आपका, एक और करके दिखा रही हूँ, 24/36. ठीक है, ये भी आपको पहले 2 से ही डिवाइडेड हो रहा है, 2 से और ये 2 से, कितना आ गया, 12/18. फिर आप 2 से डिवाइड कर लो इसको,
छोटे से डिवाइड करो, इजीली आप कर पाओगे। डायरेक्ट भी कर सकते हो पर ऐसे ही मेथड से करना, 6/9। फिर अब दोनों देखो, अब ये 2 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 से करेंगे दोनों को। 3 2 6, 3 3 9, एंड योर लोएस्ट फॉर्म इज 2/3। नाउ पार्ट सी, 22/110, 22/110। अब देखो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 22/110 ये आ जाएगा आपका 11, और 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 55। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 के टेबल से, दोनों ही जा रहे हैं, ठीक है। 1/5 आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट, डी पार्ट है 72/96। अब इसको भी हम करेंगे 72/96, ये पहले ये भी हम 2 से ही डिवाइड करके कर रहे हैं, कितना आएगा, 3 2 6, 36/48। अब फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 18, और नीचे आ जाएगा 24। अब फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा पास, 9/12। अब 9/12 को किससे डिवाइड करेंगे, ये दोनों, ये तो 3 से चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, ये 4 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, ये ऊपर वाला 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, इसे भी हम 3 से करेंगे, तो 3/4, ये आपकी डी की लोएस्ट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है आपका ई पार्ट, 135/120, इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। 135/120 को देखो, ऊपर 5 है, नीचे 0 है, तो ये 2 से नहीं जाएगा, ये तो चला 120 से 2 से जाएगा, पर 135 नहीं जाएगा 2 से, तो आप इसको 5, दोनों में 5 से चले जाएंगे। अब देखो इसको बेटा आप डिवाइड करके भी अलग से देख सकते हो, जैसे 135 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, और 5 फिर यहाँ से 3 बचे, 35 हो गया, 5 7 35। नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे, 5 2 10, और 5 4 4। नौ, अब हम इसे कैसे करेंगे, ये वाला 24 तो 2 से चला जाएगा पर 27 नहीं जाएगा, तो दोनों 3 से चले जाएंगे, 3 9 27, और 3 8 और लोएस्ट फॉर्म आ गई आपकी 9/8। नेक्स्ट है आपका एफ पार्ट, 18/24, इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये भी पहले 2 से ही चले जाएंगे, आ गया आपका 9/12। अब सेम कंडीशन आ गई है, 9 2 के टेबल में नहीं आएगा, 12 तो आ जाएगा, पर दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा 3/4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फोर्थ, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। इसमें आपको ये देखना है कि ये इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। हमारा ए पार्ट है 12/14 एंड 18/21। इसमें हमने इक्विवेलेंट कैसे देखना होता है, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12/14 और 18/21 को, ऐसे करके हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि अगर तो आंसर सेम आता है तो ये इक्विवेलेंट हैं, अगर आंसर प्रोडक्ट इनका सेम नहीं आता तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। पहले हम देखेंगे 12 × 21 को मल्टीप्लाई करके, और फिर 14 × 18 को मल्टीप्लाई करके, 12 × मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 252। 14 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी आंसर आ रहा है 252। फिर आप लिखोगे बोथ द क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल, दस 12/14 एंड 18/21 आर इक्विवेलेंट।
ओके, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट देखते हैं सेम आ रहा है 252 और 252, तो ये दोनों जो हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है हमारी। नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में 5/50 एंड 6/60। अब हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 6/60 इसको इससे और देन इसको इसके। देखो 5 × 60 इक्वल ढूंढना है और 50 × 6, 5 × 3 = 30, 300, 5 × 3 = 30। इसमें भी सेम ही लिखो कि बोथ दोनों का जो प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट्स आर इक्वल, 10 5/50 एंड 6/60 आर इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका सी पार्ट। सी पार्ट भी सेम ही करना है, 36/15 एंड 20/48। स्टूडेंट्स इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, नाउ 36/15 और 20/48। अब हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 36 × 48 का आंसर ढूंढना है, मल्टीप्लाई करके देखना है, और 15 × 20 का, ठीक है, 15 × 20 का आ गया आपका 300, और इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसका दोनों का प्रोडक्ट आएगा हमारा 1728। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग है, हम लिखेंगे बोथ द क्रॉस प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, 10 36/15 एंड 20/48 आर नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट। स्टूडेंट्स कि मैं डी पार्ट भी कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है, 14/19 एंड 28/38, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 28/30, इसमें 14 × 38 इसका प्रोडक्ट देखना है और 19 × 28 दोनों का प्रोडक्ट देख लेना है। जब हम 14 को 38 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 532, और 19 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 532 आएगा। दोनों का प्रोडक्ट जो है इक्वल है, आपने फिर वैसे ही लिखना है बोथ द क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल, 10 14/19 एंड 28/38 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका ई पार्ट। ई पार्ट है 18/32 एंड 36/64। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपने सेम मेथड से, 36/64, 18 × 64 की मल्टीप्लाई और 32 × 36 की मल्टीप्लाई। व्हेन वी मल्टीप्लाई 18 by 64 और आंसर इज 1152। जब हम 32 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1152। तो दोनों का सेम आंसर है, इसलिए ये भी आपकी जो फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट है, सेम ऐसे लिख देना है, बोथ द क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल, 18/32 एंड 36/64 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका 54 अपॉन 32 एंड 108 अपॉन 64, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 108 अपॉन 64 क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसमें, 54 इंटू 64 इसका आंसर, और देन 108 इंटू 32 का आंसर। जब हम इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर हमारा आएगा 3456। ऐसे ही जब हम 108 को 32 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3456। दोनों के जो प्रोडक्ट हैं वो सेम है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, बोथ द क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल, दस 54 अपॉन 32 एंड 108 अपॉन 64 आर इक्विवेलेंट। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सारे सम सॉल्व कर दिए। आपका योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 6B इन योर मैथ्स नोटबुक। थैंक यू।